नमस्कार दोस्तों, हरिओम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में उदाहरण 7 का हल करेंगे। आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। देखिए, इसको हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं माना पिंड पिंड पर लगाया गया बल, ठीक है, मान लेते हैं पिंड पर लगाया गया बल वाई यूनिट, ठीक है, वाई इकाई, देखिए, तथा उत्पन्न उत्पन्न त्वरण एक्स यूनिट, ठीक है। देखिए, पिंड पर लगाया गया बल उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, अनुक्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है? देखिए, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। देखिए, एक्स का मान जिस अनुपात में बढ़ता है, ठीक है, उसी अनुपात में यह भी बढ़ता है, ठीक है। एक्स का मान जिस अनुपात में घटता है उसी अनुपात में यह भी घटता है। देखिए, एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है, तो दो कलम का मूल्य 10 रुपया, ठीक है। उसी तरह देखिए, चार कलम का मूल्य 20 रुपया, ठीक है। देखिए, तीन कलम का मूल्य 15 रुपये। तो देखिए, ये जिस अनुपात में, देखिए देखिए इसको देखिए, 1:5 है, देखिए 1 कलम 5 रुपया। इसको देखिए, जिस अनुपात में बढ़ाएं यानी 2 कलम, तो ये 10 हो गया, ठीक है। यानी इसका ये डबल, तो इसका भी ये डबल हो गया। देखिए, इसका 1 का ये 4 गुना, तो ये भी देखिए 5 का 4 गुना हो रहा है। यानी इसको जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में ये भी बढ़ रहा है, तो ये हो गया अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब देखिए, इस चिन्ह को हटाने यानी यहाँ बराबर देंगे, देखिए यहाँ बराबर देंगे तो इसको चर के साथ गुना करना होगा, अचर के साथ, ठीक है, इसका एक नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे के एक्स, ठीक है, जहाँ के एक अचर है। अचर का मतलब होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अब देखिए, अब के को देखिए, के को मान लेते हैं 3, ठीक है, माना के बराबर 3, ठीक है। देखिए, ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए, आलेख खींचने के लिए यानी एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 हल की आवश्यकता होगी। तो देखिए, मान लेते हैं यदि x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 मान लेते हैं। देखिए, यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, सारणी x y, ठीक है। तो देखिए, यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा? देखिए, x 0 लिए तो यहाँ देखिए, x के जगह 0 लिखेंगे तो 3 गुना ये 0 क्या हो गया? 0, ठीक है। यानी x 0 लिए तो y भी हो गया 0, यानी एक हल प्राप्त हो गया 0, यानी x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक भी 0। अब देखिए, यदि x बराबर 2 लेंगे तो देखिए y बराबर क्या होगा? देखिए, x के जगह 2 लिखेंगे तो 3 दूनी 6, यानी ये 2, 6, यानी x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 6, ये दूसरा हल प्राप्त हो गया। तो देखिए, आलेख खींचने के लिए यानी रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 हल की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो ये 2 हल प्राप्त हो गया। तो देखिए, ये निर्देशांक तल में देखिए x अक्ष बना लिए और ये y अक्ष, ठीक है।
एक इकाई बराबर एक सेंटीमीटर आप जितना चाहे ले सकते हैं, ठीक है, यानी एक इकाई बराबर एक सीएम ले लिए। और इस तरह देखिए, पहला हल देखिए, जीरो जीरो यानी एक्स निर्देशांक जीरो और वाई निर्देशांक जीरो, तो ये बिंदु यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हल देखिए, एक्स निर्देशांक दो वाई निर्देशांक छ, तो देखिए एक्स निर्देशांक देखिए यानी एक्स की तरफ देखिए दो और इधर ये जाएगा देखिए वाई की दिशा में छ, छ इकाई, तो ये निर्देशांक हो गया दो छ, यानी ये बिंदु यहाँ होगा। अब इसको मिला दिए तो देखिए वाई बराबर थ्री एक्स, ये आलेख प्राप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा, एक आलेख आलेखित कीजिए, यानी एक आलेख प्राप्त आलेख खींचना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप आलेख खींच सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वीडियो अंत करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इससे पहले जितने वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं।